पर बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर एसीबी की कार्रवाई को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार की सरकार है और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। सुबह उठने के बाद सब भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन जब टीवी सुबह खोलते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली को ठगने वाला वो भ्रष्ट मुख्यमंत्री, उसका चेहरा या उसके रफूगरों के कुकर्म सामने आते हैं। आज सुबह भी आपने देखा होगा मॉडल टाउन के विधायक, उनके साला, उनके दफ्तर में जो ऑफिशियल ऑफिस में बैठता है, किस प्रकार से टिकटों की बिक्री के लिए 90 लाख रुपए एक हलवाई से उनकी बीवी को टिकट देने के लिए मांगे। और भी इसमें परतें खुलेंगी, और भी बहुत विधायक हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाओ कि जो टिकट बांटते वक्त 90 लाख रुपए लेंगे तो वो क्या उम्मीद करेंगे कि वो जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करेगा। यही केजरीवाल साहब, आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए, इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस मॉडल टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है। एसीबी ने मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी के साले को गिरफ्तार किया है, जो कि नगर निगम का टिकट बेचने के लिए 90 लाख रुपए लिए इन्होंने। अखिलेश पति त्रिपाठी का साला और पीए दोनों को एसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। एसीबी के पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, इन्होंने टिकट बेचने के लिए 90 लाख रुपए लिए और ये कहा कि ये पैसे ऊपर मनीष सिसोदिया, दुर्गेश और केजरीवाल के पास भेजे जाएंगे। सवाल ये है कि अखिलेश पति त्रिपाठी, उनका साला, उनके पीए और ये विधायक जो पैसे ले रहे थे, पैसों का लेन देन का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी है, ये पैसे ये खाली विधायक अपने पास रख रहे थे या ये दुर्गेश और केजरीवाल तक जा रहे थे, क्योंकि उनके कहने पर टिकट कैसे मिल रहा था। और बाद में ये लोग इस व्यक्ति से कह रहे थे कि पैसे वापस ले लो। ये हर एक चीज की ऑडियो रिकॉर्डिंग एसीबी के पास है।